आज मैं आप लोगों के साथ रक्षाबंधन मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई फैमिली फ्रेंड्स। आज 15 अगस्त है, आज मैं उसी के दिन शूट कर रही हूँ, इसलिए देखिए मैंने ये सब पहन रखा है क्योंकि मैंने रील्स शूट किया था अभी। अगर रील्स आप लोगों को देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, उसकी आईडी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। आज मैं हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन मेकअप लुक का। ये मेकअप लुक बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग मेकअप नहीं भी करना जानते हैं वो भी इससे ईजिली कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं है, आप कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोनर का यूज़ करूँगी। जिनके पास टोनर नहीं है वो चाहें तो आईज़ को अपने फेस पर मेकअप करने से 20 मिनट पहले अच्छे से रब कर सकते हैं, वो अच्छा होता है। मेकअप जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और फेस भी काफ़ी डिहाइड्रेट रहता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बीबी की क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। उसके मैंने यहाँ पर लैक्मे का कंसीलर भी यूज़ किया है, लेकिन जिनके पास कंसीलर नहीं है वो बीबी क्रीम से भी अपना मेकअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है। अब इसे मैं ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, कोई इशू ही नहीं है। अगर जिनको ब्लेंडिंग करना नहीं आता है ब्लेंडर से तो वो अपने फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिंगर से अच्छे से डैब डैब करके आप अपनी क्रीम को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए पूरे फेस में, रब नहीं करना है। जब भी आप फाउंडेशन या फिर जो भी है बीबी क्रीम हो जो भी हो उसको डैब डैब करके हमेशा अब्जॉर्व करवाइए। इसके बाद मैं हल्का सा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड पर ताकि मैं आई शेडो को अच्छे से लगा सकूँ। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप यहाँ भी बीबी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका जो आई शेडो है ना वो अच्छे से सेट हो जाता है। आप थोड़ा सा अलग से बीबी क्रीम लेकर उस पर लगा दीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ क्रीम को अच्छे से सेट करने के लिए। वैसे गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है तो कॉम्पैक्ट तो बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़रूर लगाइएगा। थोड़ा सा ना सटल हो जाता है मेकअप हमारा। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एक आई पैलेट से एकदम लाइट पिंक शेड लगाऊंगी। वैसे आपने अगर कोई डार्क कलर का ड्रेस पहनने का सोचा है ना तो पिंक शेड तो बेस्ट होता है, वो हर ड्रेस के साथ अच्छे से चला जाता है। मैं इसे एक ब्रश से स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ भी आप फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। मेकअप ना मेकअप बना ही होता है, सबसे पहला ब्रश ब्लेंडिंग हमारा ब्लेंडर सबसे पहला हमारा फिंगर ही होता है। अगर आपको ब्लेंडर यूज़ करना नहीं आता, ब्रशेस यूज़ करना नहीं आता है तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं, आप अपने फिंगर से कर सकते हो। मुझे भी कभी जल्दी जल्दी में अगर कहीं जाना होता है या फिर मुझे ब्रशों के साथ नहीं खेलना होता है तो मैं भी अपनी फिंगर का यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने एकदम से ब्राउन लाइट शेड शिमर शेड उठाया है और उसको अपने पूरी आईलिड पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ थोड़ा सा शिमरी बनाने के लिए। अगर आप लोग आई शेडो नहीं यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट डाउन करिएगा, उसका भी मैं एक अच्छा सा तरीका आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा आईलाइनर है। कोई भी अगर बिगनर है ना जिसे आईलाइनर लगाना नहीं आता या फिर जो सीखना चाह रहा हो वो इस आईलाइनर से सीख सकता है। वैसे तो मैं बहुत सारे आईलाइनर यूज़ करने लगी हूँ अब, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में मैं भी आईलाइनर लगाना सीख रही थी तो मैंने यही आईलाइनर यूज़ किया था। काफ़ी हैंडी होता है, हाथों में अच्छा ईज़िली आप पकड़ सकते हो, अच्छे से पकड़ के लगा सकते हो। इसके ब्रशेस बहुत छोटे होते हैं और अच्छे से लग भी जाते हैं। मैंने दोनों आँखों में सेम आईलाइनर लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, जो कि ये भी मेबलिन का ही है, ट्रिपल एक्सल मस्कारा है। सच में बहुत अच्छा मस्कारा है, इसको लगाने से ना जैसा लगता है हमारी लैसेस ही डबल हो गई हैं। सीरियसली मुझे बहुत पसंद है। मैं ना अपने पूरे मेकअप में ना सारी चीज़ें स्किप कर सकती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि मैं लिपस्टिक और मस्कारा तो छोड़ ही नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैं हल्का सा ब्लश ऑन करूँगी अपने फेस को, क्योंकि डे में इसमें तैयार होना होता है रक्षाबंधन में, तो फिर बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी नहीं बना सकते खुद को, तो बहुत ही लाइट सा ब्लश ले रही हूँ मैं।
वैसे तो मैं बहुत ही वैसे भी मैं बहुत लाइट ब्लश यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का पैलेट लिया है मैंने, उसमें से हाइलाइटर उठाया है और एक छोटे से ब्रश से इसको मैंने अपने आई के इनर कॉर्नर पर लगाया, आईब्रो के नीचे थोड़ा सा लगाया है आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद मुझे फेस में जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना कि मुझे थोड़ी सी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उन पर मैं इसे अच्छे से लगा लेती हूँ। इसको मैं फ़ैन ब्रश लिया है और इससे मैंने अपने चिक बोन पर हाइलाइटर लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उठाया है लिक्विड हाइलाइटर और इसको मैं लगाऊंगी फिंगर से, मुझे बहुत पसंद है ये हाइलाइटर, इतना अच्छा है ना मैं क्या बताऊँ, अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है और एक नेचुरल ग्लो देता है, जैसे लगता है नेचुरल सी शाइन आती है, बिल्कुल भी लगता नहीं है कुछ अलग से लगाया हुआ है। अब इसके बाद मैं लास्ट में आईब्रो फिल कर रही हूँ, एकदम लास्ट में मैंने यहाँ पर आईब्रो पेंसिल लिया है और उसको अच्छे से फिल कर रही हूँ। ये मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर काजल को स्किप कर दिया, अगर आप चाहो ना तो काजल लगा सकते हो पर मुझे नहीं लगाना था यहाँ पर इसलिए मैंने नहीं लगाया है। और इसके बाद मैंने लिप बाम लगाया है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर रेड वाइन कलर की लिपस्टिक मैंने मैट उठाई है और उसको मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया है, जो इस कुर्ते के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद लास्ट एंड लास्ट मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर का यूज़ किया है और उसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर देती हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक, कितना सिंपल है ना, सीरियसली बहुत ही सिंपल है, लग ही नहीं रहा ना कि जैसे मैंने मेकअप किया हो बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो भाई लोग ही छेड़ते हैं, क्या पोतापाती करके आ गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। बहुत ही सिंपल मेकअप रखा है, खासकर लड़कियों के लिए, जो स्कूल गर्ल हैं कॉलेज गर्ल हैं वो तो एकदम से ही कर सकती हैं, एकदम बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी भी लगाई है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये मेकअप लुक और कैसा लगा ये मेकअप आप लोगों को, ये कमेंट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ ये भी कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को किस चीज़ से रिलेट करते हुए वीडियोस चाहिए, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके और मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और जल्दी से जल्दी आप लोग मेरी वीडियोस देख सको। ओके, तो चलिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, बाय बाय।